स्वागत है आप सभी का प्रयागराज ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग में। दोस्तों आज मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं और जिससे कि ड्रैगन फ्रूट की जो जड़ की समस्या है जिसमें बार बार नीमाटोड होती है और रूट रोट होता है या फिर पानी बचाने से जैसे पानी जहां फ्लडिंग जमा होता है फ्लड वहां पे दिक्कत आती है प्लांटेशन करने में वहां खेती करने में दिक्कत आती है। तो एक ऐसा रूट स्टॉक है जंगली है कैक्टस ही है प्रजाति का वो भी और उसका रूट स्टॉक इतना ज़बरदस्त है कि समझिए कि बहुत ज़बरदस्त जैसे अमरूद वगैरह का पौधा होता है उसकी जैसे रूट स्टॉक है बहुत स्ट्रॉन्ग है। पानी में भी हो जाता है ऊसर मिट्टी हो कोई दिक्कत नहीं है वहाँ भी हो जाता है। तो उसी के रूट स्टॉक पे मैंने LD5 का ग्राफ्टिंग किया है और मिबाओ का भी ग्राफ्टिंग किया है तो उसमें हमारी ग्राफ्टिंग हो गई है सक्सेस। तो उसका हमने प्लांटेशन किया है दोस्तों हम उसको आपको दिखा रहे हैं उसकी वजह क्या है वो भी आपको हम बताएँगे। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं बैक कैमरे से कुछ नई चीज़। तो दोस्तों ये है मलेशियन रेड और इसमें देखिए फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो रही है फ्रूटिंग भी हो रही है। देखिए इसमें कितने सारे फ्लावर हैं ये देखिए ये 1 2 उधर देखिए इधर देखिए। तो और आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारे पास इतने पुराने पुराने पौधे हैं तो इसमें कल्ले इतने ज़्यादा इसमें डालियाँ क्यों नहीं होती कैनोपी क्यों नहीं होती। तो आपको दिखा रहे हैं देखिए जो भी इसमें मैच्योर ब्रांचेस हैं ऊपर आपको दिख रही होंगी सारी जितनी है हमारा प्लांट का काम है ज़्यादातर। तो हम क्या करते हैं जो भी ब्रांच इसमें हमें प्लांट का ऑर्डर आता है उसको हम कट करके देते हैं इसलिए हमारी कैनोपी थोड़ा सा कम रहती है। तो इसके लिए मुझे टेंशन नहीं। यहाँ देखिए कितना शानदार फ्रूट है मलेशियन रेड का देखिए आप इसकी जो साइज है अभी ये 7-8 दिन का ही फ्रूट है देखिए आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा फ्रूट है। और उसके बाद इसका जो पत्ता है देखिए कितना सीधा सीधा कितना बढ़िया पत्ता है कितना अच्छा फ्रूट है इसमें सेट हो रहा है और इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है बडिंग भी हो रही है सब कुछ है। मलेशियन रेड कमर्शियल वैरायटी के लिए बहुत अच्छा है यहाँ पे। और देखिए यहाँ फ्लावरिंग ये इसमें यहाँ भी फ्लावरिंग है यहाँ पर मैंने LD5 का ग्राफ्टिंग किया था देखिए इसमें ये भी चल पड़ा है बहुत कमाल का इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग निकल रहा है इसका जो पत्ता है। यहाँ पे मैंने LD5 का ग्राफ्टिंग किया था देखिए यहाँ भी नया पत्ता निकलना शुरू हो गया है। तो बहुत ही अच्छा है ग्राफ्टिंग करने से आपको कोई वैरायटी बदलनी है आपके पास पुराना प्लांट है तो आप उसको ऊपर से टॉप ग्राफ्टिंग करके अपना वहाँ पे नया वैरायटी जिससे आप खुश नहीं हैं उसको हटा सकते हैं बिना समय गंवाए आप उसमें 5-6 महीने में दोबारा फुल कैनोपी पा सकते हैं आप इस तरीके से ग्राफ्टिंग करेंगे। ग्राफ्टिंग करनी आनी चाहिए किस मौसम में करनी है कैसे करनी है वो सब चीज़ें आनी चाहिए तभी आप इसका जो है रिक्स लीजिएगा। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं जो LD5 और मिबाओ को मैंने कैक्टस पे ग्राफ्टिंग किया है उसको दिखाते हैं। चलिए दोस्तों कैक्टस पे ग्राफ्टिंग किए हैं उसको दिखाते हैं। ये ब्यूटी बेरी का हमने यहाँ पर ग्राफ्टिंग किया था तो ये चल पड़ा है यहाँ से यहाँ पे आ गया है ये भी। और आते हैं अब मेन टॉपिक पे। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों ये आप देख रहे हैं जो ये कैक्टस है ये राजस्थान साइड ज़्यादा मिलता है और हमारे यहाँ भी होता है इसको लोग खेतों के जो मेड़ों पे जानवर से बचाने के लिए अपना लगाते थे। तो इसका रूट स्टॉक बहुत ज़बरदस्त है तो मैंने इसके ऊपर LD5 का यहाँ पर ग्राफ्टिंग किया है देख सकते हैं आप ये देखिए और यहाँ पे ग्राफ्टिंग किया इसमें नई ब्रांच आई यहाँ से चल पड़ा। और इसके बाद देखिए ये थोड़ा बड़ा सा मदर प्लांट मिल गया था इस पर यहाँ पर ग्राफ्टिंग किया और ये देखिए ये भी एकदम बढ़िया सा हो गया है ये भी चल पड़ेगा बहुत जल्दी इसमें भी नया ब्रांच आ जाएगा। और पीछे एक और हमने प्लांट किया है ये देखिए यहाँ पर भी मैंने इस पर देखिए ये कैक्टस है और ऊपर से LD5 का मैंने इस पर देखिए यहाँ पर ग्राफ्टिंग किया जो है पत्ता और ये भी चल पड़ा है समझिए। तो इसमें ये कमाल की बात है इसमें बीमारी भी नहीं लगती है रूट रॉट वगैरह भी नहीं होता है और उसके बाद इसकी ग्रोथ जड़ जो है इसका जड़ का स्टॉक जो है बहुत ज़बरदस्त है। तो इसीलिए मैं एक ट्रायल कर रहा हूँ अभी इसको पूरा देखूँगा इसमें फ्रूट आ जाएगा जब तक फ्रूट नहीं आ जाएगा तब तक इसको मैं इंतज़ार करूँगा और ज़्यादा मैं ग्राफ्टिंग नहीं करूँगा देखता हूँ इसमें कुछ बदलता है फ्रूट आने के बाद LD5 में या वैसे ही सेम रहता है। अगर वैसे ही सेम रहेगा तो इसको मैं आगे बढ़ाऊँगा ज़रूर दोस्तों क्योंकि ये हमारे
जो भी जड़ की समस्या है वो एकदम से ख़त्म कर देगा जड़ से, बहुत ही कमाल की चीज़ है। तो चलिए आपको हम अमीबाओं का भी ग्राफ्टिंग का दिखाते हैं। तो ये अमीबाओं का मदर प्लांट है, ये भी हमारा आ गया है यहाँ ऊपर तक देखिए। और हमारे पास और अमीबाओं का मदर प्लांट है यहाँ पे, ये हमने ये ग्राफ्टिंग किया था उसमें। और ग्राफ्टिंग मटेरियल के लिए मैंने इसको क्या था यहाँ पे देखिए, मैंने एलिस रेड पे ही ग्राफ्टिंग किया अमीबाओं का, ये भी हमारा चल पड़ा है। और यहाँ पे देखिए मैंने कैक्टस पे ग्राफ्टिंग किया है, ये देखिए दोस्तों मैंने इस पर, ये कैक्टस का है। यहाँ पर मैंने ये देखिए अमीबाओं का ग्राफ्टिंग किया, ये चल पड़ा है। तो और आपको बहुत जल्दी मैं कल की जो परसों की वीडियो होगी उसमें बहुत जानदार अपडेट दूंगा नीले केले के बारे में, उसमें मेरे नीले केले में फ्लावर आ चुका है। तो कल की वीडियो ज़रूर देखिएगा, मैं नीले जो नीला केला है ब्लू बनाना उसका मैं आपको फ्लावर दिखाऊंगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।